जो है ग्रांट रोड सुपर सिनेमा में लगा हुआ है, क्या कुछ पहले उसके बारे में बताइए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, पब्लिक का अपार प्रेम मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। जी हाँ, मैं हूँ डायरेक्टर चंदन सिंह, और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पहलू को जो आज मैं वास्तविकता को देख रहा हूँ, ये मेरे मित्र मुकेश चौहान जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और मैं, हम दोनों साथ में बहुत मेहनत किए और उसका परिणाम ये आज आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जो दो दिन में प्यार दिखाया है, अनबिलीवेबल, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत सारी फिल्में लग रही हैं, बहुत सारी फिल्में चल रही हैं जो 24 दिनों में, जिनके कोई कलेक्शन नहीं है, दो दिन में मात्र आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म का, दो दिन का कलेक्शन बहुत तगड़ा और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिस सिनेमा का रिपोर्ट ले रहा हूँ, हर सिनेमा हॉल हाउसफुल का बोर्ड, और आप लोग का बहुत प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। सर, मैं कुछ दिन पहले यानी कि 15-20 दिन पहले जब यहाँ आया था, सूर्यवंशम लगी थी पवन सिंह की, और सब बोल रहे थे कि नहीं, जब पवन सिंह की फिल्म लगती है सिनेमा घर फुल हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ उल्टा देख रहा हूँ। आपकी फिल्म, चंदन सिंह की फिल्म जो है देख रहा हूँ, और जो हीरो हैं अपने चिंटू पांडे, चिंटू जी, और ये सुपर हिट हो रही है, पब्लिक का भीड़ लगा हुआ है, लोग बोल रहे हैं 3 बार देख लिए इनको। हाँ जी हाँ, मैं तो हर सिनेमा में जाकर पब्लिक के साथ बैठ के आम जनता की तरह देखता हूँ, मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, और उनका रिव्यू देखता हूँ कि कैसा लगा, मतलब स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक लोग को हंसते हंसते मतलब पेट फूल जा रहा है, हम लोग के भाषा में, बिहार भोजपुरी के भाषा में बोला जाए कि हंसते हंसते लोग के पेट फूल जा रहा है। इवन इसमें एक ऐसे सीन होते हैं सिनेमा के अंदर में, एक ऐसे सीन है कि दादाजी मरते हैं और मातम के अलावा लोग हंस रहे हैं। उसमें एक लड़का है मिंटू, जो ब्लॉग बनाने आता है, और वो बताता है कि हेलो दोस्तों, जो आज के जनरेशन है जो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो शहर में रह के शहर के हिसाब से रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे मैसेज भी है इस हमारे सिनेमा में, आपको देखने के बाद बहुत सारे मैसेज मिलेगा, और ये आज के अपग्रेडेड सिनेमा है, मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मैं भोजपुरी सिनेमा देख रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सिनेमा बनी है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और आप लोग से उम्मीद है कि जो जो आप लोग नहीं देखे हैं आप लोग आएँ और फिर से देखें इस सिनेमा को और अपना प्यार आशीर्वाद दें और इस सिनेमा को सुपर हिट बनाने में हमारा साथ दें। सर, जैसे आपने कहा कि अपग्रेडेड फिल्म है, क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका एज ए डायरेक्टर, क्या थॉट प्रोसेस है कि नया जो हमारी यूथ है उसको एक अच्छा सिनेमा दें? देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं कर रहा हूँ, पर छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। सर, कुछ ऐसे ही इंडस्ट्री है जैसे कि साउथ लोगों का यही हाल था, जो कि आज भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की जो हाल हो गई थी या हो रही है, यहाँ सिनेमा नहीं है, थिएटर्स नहीं है, बट जो थिएटर्स है वहाँ पे पब्लिक जा रही है। आप अच्छा चीज़ बनाइए, आप ऐसा बनाइए कि उनको लगे कि हाँ इस सिनेमा ये मेरे लायक है, अपने आप से वो कनेक्ट करें सिनेमा को तो वो जाएँ। दूसरी चीज़ सर, सिनेमा का मतलब ही थिएटर है। आज यूपी में एक महीने में हमको लग रहा है कि 20 फिल्में, 25 फिल्में, 30 फिल्में चालू है, बट वो सिनेमा नहीं है सर, वो सीरियल है एकता कपूर का जो पहले चलता था। 8 दिन बाद आप ही बताओ, 8 दिन पहले कौन सिनेमा रिलीज हुआ था टीवी का, आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं आपको याद होगा। तो वो सीरियल है, वो सिनेमा नहीं है। सिनेमा जो थिएटर में रिलीज होता, जैसे अभी आपने सूर्यवंशम का नाम, सूर्यवंशम सिनेमा है, चिंटू के दुल्हनिया हमारा, दो दिन में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया ये सिनेमा है सर। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, सिनेमा घर में खुद जा रहे हैं, दर्शक के बीच में जा रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, इस दो दिन में किस तरह की जो है रिपोर्ट आई है आप? सर मैं बस बाबू भोजपुरी में जरा बात करी, जरा हमारा भोजपुरी फिल्म है, तब जाकर भोजपुरी में बोल। बिल्कुल, हम तो एकदम बिहार से बनी, और भी बिहार में बक्सर जिला से बनी, अब भोजपुरी तो मैंने रग रग में भाई, पूरा ब्लड में भोजपुरी है बा, तो भोजपुरी के दर्शक के हमारा पता बा कि का पसंद बा, उनका के का चाही, उनका के का परोसल जाए तो उनका ठीक लगी, तो वही हिसाब से उनका के एकदम नया वर्जन में अब बढ़िया चीज परोसल बा, जो उनकी सब कोई पसंद करत बा, तो हम सबके धन्यवाद कहल चाहब। अभी तक कितना फिल्म बनाए हुआ है? 22 फिल्म हो चुकल बा। कौन कौन हीरो के साथ काम करते हो? ऑलमोस्ट सबके साथ, जैसे
जैसे रितेश पांडे, चिंटू जी, सबके साथ, गोलू, सबके साथ। बाकी हेगड़े को लेके भी आप एक टीम बनाते हैं, आदित्य ओझा और पाखी जी को लेके, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, बहुत प्यारी सी। फेवरेट फिल्म कौन है जगह साथ ज्यादा फिल्म बने? ये तो अलग सवाल है यार। सबके साथ देखिए फेवरेट सब है मेरे, जितने मेरे, मैं दोनों फेवरेट हीरो नहीं है, बहुत मैं ना, नहीं नहीं मेरे सारे फेवरेट लोग हैं, मैं जिसके साथ काम करता हूँ, इवन यामिनी जी के साथ मुझे लगता है कि ये मेरी तीसरी फिल्म थी, तो मैं जिसके साथ काम करता हूँ सारे मेरे फेवरेट हैं। अक्षरा जी के साथ मैंने काम किया तो उनको लेके एक फिल्म में दबंग दमाद, तो सब फेवरेट हैं। ये फिल्म में तो यामिनी और शिल्पी ने दोनों के साथ कैसे नाटक बहुत महीना जो शूटिंग चल रहा है, हाँ कैसा संबंध रहा है बताएं? बहुत अच्छा है। हमने के यामिनी जी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, शिल्पी जी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्च किए हैं शिल्पी जी को फर्स्ट टाइम, तो शिल्पी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, उनका इवन फैंस भी बहुत अच्छे हैं। हमने सुना कि यामिनी के साथ आपका सेट बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नहीं बहुत अच्छी हैं, सब लोगों ने कमाल के काम किया है, और वाकई यामिनी जी भी इस फिल्म में बहुत अच्छा प्ले किया है उन्होंने, जो मुझे जो एक्सपेक्ट था मेरे एक्सपेक्ट से बहुत ऊपर की चीज उन्होंने कमाल का काम। कैसे विचार आया कि प्रमोद माथुर इस फिल्म में एज ए दादा का रोल लिया जाए? देखिए जब हम लोग, मैं और हमारे जो प्रोड्यूसर मुकेश चौहान जी, हम लोगों ने जब फिल्म के फर्स्ट डे जब बैठे हम लोग डिजाइन करना चालू किए, तो ये था कि जैसे अभी देखिए अभी कैसे हो रहा है बॉलीवुड में और साउथ में, कि कुछ बॉलीवुड से ले रहे हैं लोग, कुछ साउथ से ले रहे हैं, तो यहाँ भी भोजपुरी में भी हिंदी से कुछ ले रहे हैं, कुछ भोजपुरी से ले रहे हैं, इवन अभी चिंटू जी की भी फिल्म है कि साउथ से ही लोग उठा उठा के लाए हैं लोग, तो क्या है कि एक मल्टी सिनेमा हो जाता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे सिनेमा बने, टीवी शो ना बने, क्योंकि सिनेमा का मजा सिर्फ सिनेमा में है, थिएटर्स में है, और इसमें मैं आम पब्लिक आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग किसी की भी फिल्म लगे आप लोग एक बार जरूर देखिए जरूर। कहाँ कहाँ रिलीज हुई अभी तक? अभी तक ये पूरा बिहार में भइल बा, ओकरा बाद नेपाल में भइल बा, मतलब ऑल ओवर इंडिया, टोटल पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर जगह में लागल बटे सिनेमा, नेपाल में भी लागल बा। चिंटू के एक साथ शूटिंग करके अनुभव कैसा रहा जरा बताइए। बहुत अच्छा, चिंटू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी तक गुजार आई हम लोग बहुत मस्ती करते थे, इवन कोई भी सीन्स के डिस्कशन में हम लोग काफ़ी टाइम लेते थे कि नहीं इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे करते थे, मैं बताता था कि ठीक है ये अभी तक जो हुआ वो अलग था, ये मेरा सिनेमा, मेरा कंटेंट्स थोड़ा अलग है, इसमें मेरे साथ मुकेश जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मुकेश जी हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं, 14 आर्ट डायरेक्टर्स थे इसमें, नहीं तो मतलब लोग थे इसमें, बहुत सारे लोग थे इसमें, हम लोगों ने यहाँ से 2 ट्रक माल लेके गए थे, सब 2 ट्रक रहे पैसा? नहीं नहीं 2 ट्रक हम लोग प्रॉप्स लेके गए थे यहाँ पे, यहाँ से 2 ट्रक प्रॉपर्टी जो आप लोग गाने देख रहे हैं ना, वो सारे सेट बना के और हम लोग गाने किए, बहुत मेहनत किए हैं बहुत, मुकेश जी तो मतलब अपना जान लगा दिए हैं रिलीज करने से लेके और बनाने तक मेरे साथ, मैंने जो जो बोला कि मुझे ये चाहिए दिया, 100 लड़के चाहिए दिया, डांसर्स तो वो था, वो क्या फिल्मी है, प्रॉपर फिल्म को जीते हैं, वो सिनेमा को जीते हैं, और जो लोग, मेरा ये मानना है कि जो लोग सिनेमा को जीते हैं ना वही सिनेमा बना पाएंगे सर। फिल्म का गीत संगीत बहुत अच्छा है, प्यारा है, किसका? फिल्म के गीत संगीत हमारे छोटे बाबा ने किए हैं, छोटे बाबा बसई उनका पूरा नाम है, और कमाल का म्यूजिक दिया है उन्होंने, बहुत प्यारा, इवन इस फिल्म के जो टाइटल सॉन्ग है चिंटू के दुल्हनिया वो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और अच्छा है आप लोग का प्यार मिल रहा है। भोजपुरी सिनेमा देखा जाए तो अभी बहुत सारे सिनेमा का रिलीज नहीं, बड़े सिर्फ टेलीविजन पे ही आ रही है, क्या इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? आप लोग को फिल्में बनाने नहीं आ रही है, या जो हमारा फिल्म भोजपुरी फिल्म का कर्णधार है जो अपने आप सुपरस्टार है, या उनको अभिनय करने नहीं आ रहा है, या गाने नहीं आ रहा है, क्या वजह क्या है जब स्टोरी नहीं मिल पा रही है? देखिए मैं सच में मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ, मैं आऊँगा, मैं अपना भड़ास अपना कंट्रोवर्सी करने में आऊँगा, उसका मैं अलग इंटरव्यू देगा। हमने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब सही। देखिए क्या है, आप अच्छा सिनेमा बनाइए, पब्लिक आएंगी, पब्लिक
तो अच्छा सिनेमा नहीं बन पा रहा ना, आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है साथ में बॉलीवुड को भी कई बड़ी बड़ी फिल्में, उसके लिए हॉल मिल जा रही है, मराठी सिनेमा के हॉल मिल जा रही है, बिल्कुल ये हॉल मिल जा रही है आपके लिए सिर्फ अच्छा फिल्म। बिहार सरकार को, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हर मराठी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स मिलता है, तो बिहार सरकार को भी इस मुद्दे पे आना चाहिए। और बिहार सरकार को ही नहीं, इस भोजपुरी इंडस्ट्री से जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जिन्होंने घर बनाया है, गाड़ी बनाया है, बंगला बनाया है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। चंदन बाबू बात को नहीं आप काटेंगे, हम करेंगे, आपके लिए हॉल नहीं है बिहार में, अभी तेलुगु का, तमिल का, जब हिंदी डब, वही मैं सर वही बात है आपको, हिंदी डब रिलीज होता है तो फिल्में लोग देखने जाते हैं, लेकिन भोजपुरी जब रिलीज होती है बिल्कुल, मैं वही आपकी बातें बताने के लिए आ रहा हूँ कि यहाँ पे सभी लोगों को मिलके आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में बिहार के हर सिनेमा घर में लगाना कंपलसरी है। लेकिन फिल्में भी तो उस तरह बननी चाहिए मल्टीप्लेक्स के। बिल्कुल, इससे पहले मेरा वही बात था कि आप सिनेमा बनाइए, आप टीवी सीरियल मत बनाइए, और सिनेमा बनाइए, सिनेमा के लिए लड़िए बिहार सरकार से, और मैं तो खुद लड़ रहा हूँ, मैं तो एक सिनेमा ऐसा ही बनाया हूँ जिस सिनेमा में मैं सिर्फ भोजपुरी भाषा को लेकर बनाया हूँ, जिस सिनेमा में मैं बिहार सरकार नहीं पूरे दुनिया से लड़ा हूँ कि सिनेमा का महत्व तो होना चाहिए। चंदन बाबू हमारे इंटरव्यू चलता है, हमारा नाम संजय भूषण पटियाला, अधिनायक डायरेक्टर बना भोजपुरी के, सब मेहरारू के पीछे पड़ गए बड़न कि मेहरारू ने फिल्म बनाई, तो जे मेहरारू के पीछे पड़ा बना कभी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे चाहे रियल लाइफ चाहे रियल लाइफ, जितना भी राइटर है भोजपुरी इंडस्ट्री के सब चोर हैं और चोरी करके सिनेमा बना रहे हैं, इसलिए फिल्में नहीं बन पा रही है। डायरेक्टर और राइटर अगर ढंग से पिक्चर बनाए ना तो पिक्चर हिट हो सकती है, और डायरेक्टर अब एक्टर को आरोप लगाते हैं, एक्टर का काम है अभिनय करना, डायरेक्टर और जो राइटर होता है सही तरीके से चीजों को कर सकता है, जो नहीं कर पा रहा है हर एक दूसरे को लोग चोरी कर रहा है, अपना कोई भी थॉट्स नहीं है, अपना थॉट्स प्रोसेस नहीं है, इस हम इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आखिर आप लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या मेहनत करना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेहनत हो रहा है, हर कोई अपने अपने लेवल से मेहनत कर रहा है, मैं आज अपने लेवल से मेहनत कर रहा हूँ, कोई सोच रहा है कि नहीं चलो औरतों की फिल्म बना बना के हमने अपना घर चलाना है या वगैरह वगैरह, उनका अलग थॉट प्रोसेस है, मेरा थॉट प्रोसेस आज भी वही है जो मैं स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप एक अच्छे सिनेमा बनाइए, आप साउथ की उठा के कॉपी मत करिए, यहाँ की कॉपी मत करिए, आप वहाँ की कॉपी मत करिए, आपका अलग एक थॉट होना चाहिए, आप अलग थॉट प्रोसेस से सिनेमा बनाइए, और सिनेमा जब आप अच्छा बनाएंगे सर तो पब्लिक तो आएंगी। तो ये बताओ चंदन सिंह भी कर सकते हैं? मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ, मैंने एक फिल्म बनाई है एक लोटा पानी, बिल्कुल अलग, किसी का कोई भी प्रोसेस नहीं है, किसी का थॉट प्रोसेस नहीं है, किसी का कहीं का चोरी नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस है। मैंने एक सिनेमा बनाया भोज, जो कि भोजपुरी भाषा को लेकर वो सिनेमा है, कि भोजपुरी भाषा को आज तक क्यों पीछे आठवीं सूची में ना तो डाला गया, ना भोजपुरी भाषा को आज तक कहीं मल्टीप्लेक्स मिलता है, ना भोजपुरी भाषा को वो चीज़ मिलता है जो होना चाहिए, बट भोजपुरी भाषा में जो सुपरस्टार हो गए उनको सब मिल गया, भोजपुरी भाषा को कुछ नहीं मिला, वही भाषा को गाएं, वही भाषा को बजाएं, उसी भाषा को लेकर रिलेटेड आपने सब कुछ किया, आपको नहीं मिला, आपको मिल गया, भोजपुरी भाषा को नहीं मिला सर, तो भोजपुरी भाषा को क्यों नहीं मिला? आप जो तीन चार पांच लोग हैं आप लोगों को आना पड़ेगा इसमें। चिंटू के दुल्हनिया का सभी स्टार कास्ट का नाम बताएं। हाँ, चिंटू के दुल्हनिया आगे लगा प्रदीप पांडे चिंटू जी हैं, यामिनी सिंह जी हैं, शिल्पी रघवानी हैं, प्रमोद माउथो जी हैं, मनोज द्विवेदी जी हैं, सोनिया मिश्रा जी हैं, नेहा सिंह हैं, बहुत लोग हैं। आप उस फिल्म में? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, पर्दे के पीछे हूँ सर, कैमरे के पीछे हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच हमारे बड़े भाई सामान संजय भूषण पटियाला भैया को। संजय जी के बात का भाई, आप जो संजय से पूछिए, अभी आप फिल्म में जो भोज आ रही है उसमें भी हीरोइन यामिनी सिंह में ये बनाना चाह रहा हूं, मतलब कहने का मतलब कि चंदन सिंह का अफेयर यामिनी सिंह से नहीं? जी नहीं, मेरा अफेयर किसी हीरोइन से नहीं है सर। अच्छा, हीरो से है? हां, मेरा अफेयर हीरो से है। तो ये भी करना होगा। तो हमारा दर्शक सुन लीजिए, हमारा जो डायरेक्टर है चंदन जी, इनका अफेयर आजकल हीरो से चल रहा है, हीरोइन के साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को फिर से, कि आप लोग आए, सिनेमा को सुपर हिट बनाएं, और जो आप लोगों ने दो दिन में प्यार दिखाया है आगे भी मुझे चाहिए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे
संजय भूषण पटियाला जो कि बड़े भाई हैं, संजय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जान लगा दिया है और इस भाई को सपोर्ट आपका बहुत रहता है। तो ऐसे ही आप फिल्म इंडस्ट्री में आप जगमगाते रहिए, महादेव से मेरा कामना है कि आप बहुत बड़े पीआरओ रहिए और महादेव आपको बहुत लंबी तरक्की दे और आप लोग आइए और इस सिनेमा को देखिए। धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया फिल्म देखने आए हैं और क्या कुछ शुभकामना होगी पूरी स्टार का? नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुबोध सेठ और बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखी चिंटू की दुल्हनिया। तो इसके प्रोड्यूसर मुकेश चौहान जी और डायरेक्टर चंदन सिंह जी और जितने भी इस फिल्म से जुड़े हैं आर्टिस्ट टेक्नीशियन, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने की एक कोशिश की है। क्या आपने चिंटू के साथ कोई फिल्म किया है? हाँ, मैंने चिंटू के साथ दो फिल्में की हैं, दोस्ताना और माई बाबू जी का आशीर्वाद। अच्छा है भाई, अभिनय अच्छा है तभी तो सुपर स्टार है। आप अपना बिहार के रहने वाले हैं जी? जी। अब तक कितनी फिल्मों में एक्टर काम कर चुके हैं? मैं 50-55 तो वहीं गया होगा सर। 50-55 हो गया। कुछ आने वाली फिल्म के बारे में बताएं कि कौन सी फिल्म आ रही है? अभी मेरी फिल्म आने वाली है गॉडफादर खेसारी जी के साथ, राजा राम आने वाली है और बहुत सारी फिल्में हैं। सर दो दो फिल्म खेसारी के साथ आ रही है जी, राजा राम भी आ रही है, गॉडफादर भी आ रही है जी। डायरेक्टर कौन है उसके? दोनों फिल्मों के डायरेक्टर पराग पाटिल। मैं यही जानना चाह रहा था कि पराग पाटिल के फिल्म में आपको अक्सर देखा जाता है सर जी, जी। और खेसारी के साथ भी देखा जाता है जी, जी। किस प्रकार की बॉन्डिंग शेयर करते हैं दोनों के साथ, डायरेक्टर के साथ और एक्टर के साथ? अब एक डायरेक्टर है तो मित्र भी है और उनको मेरे काम पे विश्वास भी है तो इसलिए वो मुझे रिपीट करते हैं। अगर राजा राम खेसारी की क्यों रुकी हुई है काफी दिन, वो तो हो चुकी कंप्लीट हो चुकी है सर, वो रुकी हुई है? कोई फिल्म रुकी हुई नहीं, राजा राम तो शायद दशहरा में आने वाली है, दशहरा या दिवाली में रिलीज होने वाली है। अभी पराग पाटिल जी ने अनाउंसमेंट नहीं किया उसका प्रॉपर, अनाउंसमेंट नहीं किया लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कहीं से भी सुनने को आया है कि दशहरा या दीपावली में रिलीज होने वाला है। गॉडफादर खेसारी जी का बहुत अच्छा लुक है, एक ओल्ड लुक हमने देखा है बैट लेते हुए, बहुत अच्छा पोस्टर भी वायरल हुआ था जी जी जी। सर उस फिल्म का क्या स्टेटस है और आपका क्या रोल है जरा बताना चाहिए उसमें? उस फिल्म का स्टेटस है कि वो भी अभी मतलब कंप्लीट हो चुकी है फिल्म, उसके भी रिलीजिंग की घोषणा बहुत जल्दी कभी भी हो सकती है, कब आ रही है मतलब जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आपका किरदार जानना चाहूँगा सर? विलेन सर, नेगेटिव करता हूँ तो विलेन ही हूँ। राजा राम में भी है या कुछ और? मैं वो मतलब एक गैंग चलाता हूँ जो लोगों को, जो बच्चों से ये सबसे भीख मंगवाते हैं। अच्छा, बहुत बुरे आदमी है। मुंबई में अगर फिल्म के लिए होगा तो करेंगे, ओरिजिनल में तो नहीं। रियल लाइफ में इन सिग्नल पे जो भिखारी होते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो ट्रैफिक सिग्नल एक फिल्म देखी थी ना, उसके बाद कुछ कहने का मन नहीं करता। अच्छा। आपको ऐसे आपके सपना जो था क्या था और किस तरह के आप कैरेक्टर में ज्यादा घुसे हैं? क्या क्या सर? आप जो फिल्म में आए थे किस तरह कैरेक्टर करना चाहते थे और किस तरह के रूप में घुस गए हैं? नहीं, मैं विलन करने ही आया था, विलन ही कर रहा हूँ आज तक, कभी और कुछ मतलब हीरो वीरो बनने का भी सपना मतलब शुरू से ही आपकी सोच गंदी थी? अब गंदी सोच कही है या एक ही टारगेट था कि विलेन ही बनना है। अच्छा, आपके कोई गुरु भोजपुरी इंडस्ट्री में? गुरु नहीं है, बड़े भाई तो बहुत सारे हैं, पराग जी हैं, अवधेश जी हैं, सब हैं, बड़े भैया का आशीर्वाद है, ये लोग बड़े भाई बहुत सारे। गुरु तो मैं पटना उटना में ही हमारे गुरु है जहाँ से सीख होके आया था। क्या नाम होता? अभी एक विजय बिहारी थे जो अभी दुनिया में नहीं है, जिनका एक ग्रुप चलता था बहुरुपिया, नाट्य संस्था चलता था, अभी दुनिया में नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको लाने का श्रेय किसे देना चाहेंगे? भोजपुरी सिनेमा में लाने, मेरा एक मित्र है जो जानापुर में ही रहता है, रंजीत करके है, वो रेलवे का बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसने एक पहली फिल्म बनाई थी मैया रखिया सेनुलवा आबाद, तो उसमें मैंने मेन विलन किया था, तो लाने वाला वही है। उसके बाद जो मैं बॉम्बे आया तो फिर कंटिन्यू हो गया मैं यहाँ। अभी आप लगभग भोजपुरी सिनेमा के हीरो के साथ काम कर चुके हैं, किसके साथ अभी और सपना है कि काम करें? अभी सबके साथ तो कर ही लिया हूँ और जिनके साथ काम मिलेगा उनके साथ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएंगे नए पुराने जिनके साथ काम मिलेगा वो करूँगा मैं। भोजपुरी के अलावा आपको एक पिक्चर खेसारी की मिले दूसरे मिले कौन सी का, किसकी पिक्चर पहले करना चाहेंगे? जिनकी साइनिंग पहले आ जाएगी, जिनकी साइनिंग पहले आ जाएगी। आपका संबंध सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे खेसारी जी के बारे में? खेसारी जी अच्छे इंसान है, अच्छे कलाकार हैं और अपने सह कलाकारों को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से उनको रखते हैं। पवन जी के साथ भी यही है, पवन जी के साथ ही मैंने फिल्में की हैं। अच्छा,
और उनसे भी मेरा संबंध बहुत अच्छा। थैंक यू सर, धन्यवाद। बड़ी तारीफ करे थे और कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने बोला अभी 3 बार नहीं 4 बार फिल्म दे चुके हैं अभी। अरे वाह, मैं सबसे पहले तो मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को और मेरे भगवान स्वरूप मेरे भोजपुरी जनता जनार्दन को तहे दिल से प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और अभी जैसा कि मैं बात सुन रहा हूँ तो आज मैं यहाँ सुपर प्लाजा सिनेमा मुंबई में आया हुआ हूँ थिएटर में फिल्म देखने अपनी चिंटू की दुल्हनिया, जिसने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मारी है। सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ एक शुभ शुरुआत की है, भोजपुरी को शुभ संकेत दिया है, शुभ गुड न्यूज़ भी दिया है। और जैसा कि अभी भाई आप बता रहे हैं कि लोग 3-3, 4-4 बार देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और चिंटू की दुल्हनिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे टीम के लोग हैं सबके लिए, और साथ ही साथ हमारे भोजपुरी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सर, मैं कुछ दिन पहले भी आया था यहाँ, तभी सूर्यवंशम लगा था, रजनी मिश्रा जी की फिल्म थी, मैंने वो ऑडियंस को देखा, इस ऑडियंस से भी मेरी बात हुई है, मुझे ये दिखाया कि आपके लिए जो दर्शक है वो काफ़ी प्रेम कर रहे हैं, बहुत आप चाहते हैं जो वो आपके अंदर एक सुपरस्टार और सुपरस्टार की एक छवि देख रहे हैं। सर, क्या कुछ कारण है जरा कुछ बताएं सर। मैं क्या करूं, मेरे पास इस बात के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं बस आभारी हूं, एहसानमंद हूं। मैं मेरे उन सभी जनता का, उन सभी मेरे परिवार का, मैं मेरे परिवार है मेरा 40 करोड़ भोजपुरी परिवार है, और मैं ताउम्र मैं आभारी रहूंगा, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बच्चे, आपने अपने भाई दोस्त को इस लायक बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं चाहूँगा कि चिंटू को ऐसे ही आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा सिर्फ हमेशा एक ही मकसद होता है, चाहे वो मैं कहीं पर भी रहूँ या किसी की भी बारे में मैं कोई भी बात बोलूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कुछ भी हो, हमारा भोजपुरी सिनेमा फलना फूलना चाहिए, भोजपुरी सिनेमा से संबंधित जितने भी लोग हैं सबका घर परिवार चलना चाहिए, साथ ही साथ हमारे भोजपुरी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी 40 करोड़ जनसंख्या हमारी भोजपुरी की जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान के और देश विदेश के जिस भी कोने में जो भी कोई है, सब कोई फलता फूलता रहे, सबका परिवार बना रहे, और भोजपुरी सिनेमा के प्रति सबको ईमानदारी दिखाए और भोजपुरी सिनेमा से प्यार करे, कि ताकि जब सिनेमा पड़ेगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा, तो हमारा भाषा और बढ़ेगा, भाषा के लोग और बढ़ेंगे, हम सभी और बढ़ेंगे। सर, मैं एक और जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों की और भोजपुरी न्यूज़ कवर करता हूँ जी। जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन था जी, उस दिन जो है आपका इंतजार जो है लोग 6 बजे से, मीरा रोड की बात करूं सर, आप 9:30 बजे के लगभग आए थे, 6 बजे से लोग खड़े थे, पब्लिक खड़ी थी, और मुझे लग रही थी शायद पब्लिक चल जाएगी, मेरी अपनी सोच है कि मुझे लगी पब्लिक चल जाएगी, लेकिन 9:30 बजे के लगभग जब आए पूरा का पूरा क्राउड, तब से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपका इंतजार कर रहे थे, और इस तरह से आपको छूने के लिए वो बेकाबू हो रहे थे। आपने बोला भी, आपने वहां से अनाउंसमेंट किया था कि बेकाबू मत होइए, प्यार बनाए रहिए, तो ये इतना अपार प्रेम जो है भोजपुरी में आपको मिल रहा है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मुंबई की, किस तरह से देखते हैं सर इसे? ये वरदान है मेरे लिए, जो मेरे जो परिवार का है, जो प्यार है ना, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए वरदान है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्यार मिल रहा है, और लोगों ने इतना प्यार दिया है इस चिंटू को, मैं उस प्यार के बदौलत ही उसी बदौलत मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी फिल्म को, अपनी भाषा की फिल्म को और आगे लेकर जाऊं और देश विदेश के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाऊं। जैसा कि मैंने अभी इस साल भोजपुरी की पहली फिल्म जो कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई, जिसके रेड कारपेट पर मैं पहली बार चला, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो वहाँ तक जो मुझे लेकर गया, वो मेरे लोगों का प्यार है, मेरे जनता का प्यार है, मेरे भगवान स्वरूप भोजपुरिया दर्शकों का ये प्यार है, वरना मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा लड़का हूँ, मुझे लगता कि मेरी इतनी औकात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे जनता के सामने, उनके प्यार के सामने, और मैं एहसानमंद रहूँगा, ताउम्र मैं आभारी हूँ, मेरा हमेशा सर उनके चरणों में ही रहेगा। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं चूँकि काफ़ी दही हंडी पर जाना था, तो सब जगह जाते आते फिर वहाँ पहुँचा था, और लोगों ने वहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि बस ये जो एकता है ना, ये बना रहे, ये प्यार बना रहे, जितने भी भोजपुरी वर्ग हैं उन सब में ये जुड़ाव, ये एकता बनी रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे, और
अच्छे अच्छे फिल्में लाएँ कि ताकि हमारे भाषा का और भोजपुरी का और विस्तार हो। आज भोजपुरी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, ये और आगे बढ़े और हम लोग बहुत जल्द अब 100 करोड़ के क्लब में आएँ तो अब भोजपुरी का हमारे अब कुछ बड़ा नाम होगा और बढ़िया हम लोग करना चाहें तो सब लोग मिलजुल कर बस अब उस तरह पर फोकस करना है। बाकी विवाद और बाकी चीज़ों से हट कर अब हमको दिमाग लगाना है कि हमारी भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी फिल्म को हमको 100 करोड़ तक कैसे लेके जाना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जी कॉमेडी और हॉरर में देखा जाए काफी फिल्में सुपर हिट रही है जी, आप भूत प्रेत पे कितना विश्वास करते हैं? करता तो हूँ, हमारे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार के 90% लोग तो करते ही हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ और उसी विश्वास के बलबूते पर ही मैंने इस स्क्रिप्ट को हाँ बोला था। और बहुत ही कमाल की जिन लोगों ने फिल्म देख ली है उन्हें फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सब, और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो भूत है ना ये डरावना नहीं है, ये भूत डरावना तो है लेकिन उससे ज़्यादा ये आपको इतना हंसा देगा, इसके सीक्वेंसेस इसके सीन इतने ह्यूमरस है कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। जी कैसा बहुत मज़ा आया, मतलब प्रमोद माउथो जी को हम बचपन से देखते आए हैं हम सभी लोग, जिनको बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में दिलवाले हो, कई सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अजय देवगन सर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है उनको, और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, उनके साथ कैमरे के सामने परफॉर्म करना एक अलग फील था, मज़ा आ रहा था। और आज भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने कमाल के साथ, इतने कॉन्सेंट्रेशन और इतने ही ईमानदारी के साथ अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वो फोकस रहते हैं, तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखा और बहुत मज़ा आया। वो दादा पोता का जो केमिस्ट्री है ना, जो आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा वो ऑफ स्क्रीन भी उतनी लाजवाब थी, हम लोग उतनी हंसी मजाक करते थे और वो बोलते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, आपका बहुत नाम सुनते हैं अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने। यामिनी को कुछ कहना चाहते हैं? अभी यामिनी इस वक्त नहीं है। हाँ, यामिनी जी इस वक्त लखनऊ में है, वो थोड़ा सा उनका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से ठीक हो जाए हमारी शेरनी और फिर से आगे दहाड़े। ये जो चिंटू अपनी दुल्हनिया को लोगों के सामने इतना अच्छे से लेकर आया है, लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चिंटू वाले हाँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर उनकी आत्मा घुस चुकी है मेरे अंदर सबकी आत्मा, मेरे अंदर यामिनी सिंह जी की आत्मा, मेरे अंदर शिल्पी राघवानी जी की आत्मा, वो मेरे अंदर आ चुका है, तो अब वो काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे सर एक सवाल मेरा और है जी, क्योंकि मैं रेगुलर पिक्चरें भी देख रहा हूँ जी और मैं कंपेयर भी करूँगा क्योंकि रिपोर्ट में कंपेयर भी करता हूँ जी, तो मैंने सूर्यवंशम देखा था और ये आपकी एक फिल्म थी जिसमें आम्रपाली थी और एक हीरोइन थी, और एक फिल्म आपकी आनी हुई जिसकी मैंने कुछ झलक देखी जिसमें आपकी बेटी लास्ट मान पड़ता है, आपकी वो बेटी है, वो आई नहीं है, आने वाली है। जी जी जी, फिदा। उसमें एक चीज देखी है कि आपका जो एक्टिंग स्किल है औरों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, इनोसेंट जो है, जब इनोसेंटपन है बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्या आप अपनी एक्टिंग स्किल को कुछ अलग तरीके से कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ उस पर वर्क कर रहे हैं, अगर दर्शकों को बता सके तो उससे क्या होगा कि जो और भी एक्टर हैं वो अपने एक्टिंग स्किल को बहुत अच्छा करेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले तो सबसे पहले आपका सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी तारीफ़ की और आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। मैं जब एक्टिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा एक बात बोली कि भोजपुरी में लोग एक्टिंग को प्राथमिकता ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, लोग सिंगिंग को ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है गाना सुनना सबके, लेकिन सिंगिंग गायकी के लिए है, एक्टिंग सिनेमा के लिए है, ये पहली बात तो वो फ़र्क पड़ना पड़ेगा। आप सिंगिंग से एक्टिंग को आप जो लोग सोचते हैं कि सिंगर बनने के बाद मैं एक्टर भी बन जाऊंगा, बिल्कुल आप बनते हैं, लोकप्रिय आप हो जाते हैं, लोग आपको जानते हैं, फिर हीरो भी आप हो जाते हैं, वो अच्छी बात है, वो मैं खुद चाहूँगा कि आप करिए, लेकिन जब आप एक्टिंग करना है तो फिर एक्टिंग में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जितने भी हमारे महानायक हैं, नायक हैं भोजपुरी सिनेमा के, चाहे वो मैं शुरुआत से रवि किशन जी से बात करूँ, मनोज तिवारी जी से, दिनेश लाल यादव जी, तो जब भी वो लोग भी जब सिनेमा में आए तो उन्होंने बेजोड़ मेहनत किया एक्टिंग के लिए, उन्होंने एक्टिंग में अपना दमखम दिखाया, एक्टिंग में अपना दिन रात एक किया, एक्शन फाइट सीन सीखे, डांस सीखा उन्होंने, एक्टिंग सीखा कि कैसे सीन्स को करना है, इमोशन सीन्स को। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सच बताऊँ, मैंने कोई कभी कोई कोचिंग या कोई क्लासेस तो ऐसा नहीं किया मैंने एक्टिंग के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उस वक्त जब वो सीन कर रहा था तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर ये वास्तविकता में हो तो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ ए तो सामने वाला तो चौंक के देखेगा, तो वो जो एक खाली नॉर्मल वे में जो आम जिंदगी में जो लोग देखते हैं ना वही खाली फॉलो कर लें नेचुरली,
तो भी वो लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अटैच करता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कैमरे के सामने जब एक्टर्स, कई मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो वो बनावटी हो जाते हैं, वो कैमरे के सामने आके ज़्यादा बनावटी एक्टिंग करने लगते हैं। तो एक्टिंग को एक्टिंग की तरह मत करिए, आप उसको नेचुरल वे में जैसे आप हैं वैसे करिए। और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग दूसरे एक्टरों को कॉपी करते हैं, कॉपी मत करिए, क्योंकि वैल्यू ओरिजिनल का होता है, कॉपी का वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है। कॉपी तो सस्ता मिलता है, तो वैल्यू जो है वो ओरिजिनल का है। और हर इंसान में इस धरती पर 700 खरब लोग हैं, तो उन सब की अपनी एक विशेषता है, हर इंसान की अपनी ओरिजिनलिटी, हर इंसान का अपना स्टाइल है। तो आप अपने ओरिजिनलिटी में आइए, आप अपने स्टाइल में आइए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जगह पर हमारी चिंटू की दुल्हनिया यहाँ पर रिलीज हुई है। मैं पहुँच गया हूँ अपने भाइयों के साथ, अपने दर्शकों के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए। आइए जानते हैं कि उन लोगों को फिल्म कैसी लगी। हाँ भैया, कैसा लगा ना भैया? अच्छा लगा लो? अरे एकदम मस्त, अरे सबसे अच्छा लगा। कोई गल छपाएगा भैया, भैया अभी तो इसमें मेन कॉमेडी आने वाला है। आपको कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा लगा। पार्ट टू आनी चाहिए, वी वांट पार्ट टू। पार्ट टू अभी सब पब्लिक का डिमांड है भाई। यही है पहचान है ना, थोड़ा देखे कि नहीं उसको बोला। हम लोग ऊपर गए थे, आप तो आपका सुन के आ गए नीचे। अच्छा, सारी पब्लिक तारीफ कर रही है। अरे वाह, नाम ही काफी अच्छा है। ले भाई, आज तक हमको भी कवर कर रहे हैं। डन, चले जाओ ऊपर भाई। थोड़ा देर पीछे हो ना, ये हमारे चिंटू की दुनिया के डायरेक्टर चंदन निर्देशक चंदन सिंह जी, लकड़ी का चंदन हो गया, ये हमारे निर्माता इस फिल्म के मुकेश चौहान जी, और इस फिल्म के हमारे जो ऑथर मुकेश चौहान जी, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे मुंबई गुजरात के राजेश जी, राजेश सिंह जी, और हमारे संजय पटियाला जी, जिनको आप सब लोग बखूबी जानते हैं। हर चेहरे के साथ जिस चेहरे को आप लोग देखते हो, ये चेहरा अंदर ही करेंगे। आप लोग बताओ किधर करोगे? मैं अंदर करते हटो। खुल जाएगा वहाँ पे? हाँ हाँ, वो आ जाएगी। बस ले लीजिए भैया, ले लीजिए। अरे आगे रखो थोड़ा यार भाई, जरा यहाँ देखिए चिंटू भैया।